हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो UPSC के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की मलाइन शुरू किया है, उसमें जो है आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन की उनको नियुक्त किया गया था वर्ष 1927 में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, लॉर्ड इरविन। कथन बताओ, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए और दोनों सही है, आर सही व्याख्या है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में सही कथन है। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, और उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। कथन, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने। ML नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू। राजगोपाल आचार्य और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट .. की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था .. भाई देखो, अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, 1929 दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो गाइस, यहाँ पे साइमन कमीशन के वन लाइनर फिनिश होते हैं। ओके, जस्ट रिकॉल इट, बाय।